खास तौर पर सते अयाज मेले जी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उन जे भी अमर सिंधु साहब आफाना मला साहब आज साहब है जो भी उन सत में शामिल हैं मुझे सामू हाल में वेठल असाजा इलाही पुराना दोस्त लिखण पढ़ी दुनिया से ताल्लुक रखदड़ साहबा चंद की कई मुझे अयाज जहा अल के शहर जो चंड के हवाले से याद आया अच सनोबर के साये में वेही रहूं चुमी जी सके चंड तुझू चगू सो गाल इन तारी वजाई बाकी सब गाली अच सनोबर के साये में वेही रहूं चुमी जी सके चंड तुझू चगू को घड़ी ले गुनाह मोहब्बत करूं पो वरी जिंदगी में मिलूं न मिलूं मुखे इन गाल जिन ताई खुशी है सतन सालन खां जिया मोनस अयाज चयो तही शऊर जो मेलो है वो सतन सालन खां संद मुसलसल बिना के नागे जे ही सरकार जी सपोर्ट या कल्चर डिपार्टमेंट जी सपोर्ट के तो ही भाव समझा दो कि बो मेलो हों पर उन पैं ये मेला मुनद थे 15 का वी यो सफर जारी रो है अयाज जो मेलो मुनद कर समझा तो असट सिंध में रिवायती असाजे सूफी बुजुर्ग शायर क्लासिकी शायर जहाँ मेला मुनद थन था पर ये 5 ढी उ भी 3 ढी हलन था 5 ढी मुसलसल एत सारू फिक्री नशस्तू उनमें मुशायरा मौसीकी मुख्तलिफ स्टेज थिएटर यो मुनद कर समझा तो वो कमाल है यो नई सिंध जो बुनियाद है तो नई सिंध में इन अमल के नौजवान कामयाब पा कन जो तादाद दसा पो यूनिवर्सिटी में पढ़ शागिर्दन जो शेख अयाज एक दौर है शेख अयाज एक फिनोमिना है जी असा सिंधी अदब शायरी के हवाले से मुख्तलिफ दौर गड़ू था सुंदरन जो दौर समन जो दौर तलड़न जो दौर उन शाह लतीफ जो दौर है ये समझा तो अजो की जेका सिंध है जेका गुज़िश्त 75 साल का जेका सिंध जुड़ी है इनके असी अदबी आई शहरी माना में असी इनके शेख अयाज जो दौर चई सकूं था जे असी सब शेख अयाज के दौर में पैदा थे शेख अयाज जे वक्त जन्म वरतो जेके हालतू उनके सामू हुई उन वक्त बर सगीर में सब कॉन्टिनेंट में एक मुकम्मल उथल पुथल जो दौर हो आजादी जो तहरीकू पे हलू ब्रिटिश कॉलोनियल राज का तरक्की पसंद तहरीक जहाँ बुनियाद पा सिंध की बंबई का अलहदगी की तहरीक भी उन दौर में पैं उरूज से बीठी आ तो ये सब लगा हूँ शेख साहब पैं अखियन से दिठा मुझे कमाल की गाल यह है शेख साहब जी आऊँ तुझे एक आशिक तौर एक पढ़ तौर निचाइंदड़ तौर अस उन नजर से दिठो आ पर कमाल उनको यो हो शेख साहब जो तो अस अजो के दौर के अस जड़ शायर वागे रुगो शायरी पढ़ी वो तकलीफकार को थो उन फलसफो पढ़ो उन दुनिया की तारीख पढ़ी उन मजहबन जो तकाबली इलम पढ़ो उन वे सब आसमानी मुकदस किताब पढ़िया उन साइंस पढ़ी उन सब शूं पढ़ने का उनके शऊर इदराक जो है शेख साहब जो हो जो फॉर्मेशन थी शेख साहब की वह बुनियादी तौर पर इल्म में थी
हिकड़ो पहलू हो उनको पैंजो मुजाहिदो हो जिंदगी में रुगो मुतालियो काफी कोने के तकलीफकार के तकलीफकार करण था जो मुशाहिदो हो उनकी रेजिस्टेंस जो पहलू हो फर्क तो मुजामती किरदार तौर वो ऑपरेट तो करे अज असी पैंजे दौर के दिसूं आऊं एक लिखंदड़ के तौर पर पान के शामिल कर चवं तो दौर जो हिस्सों में शामिल आया उनमें असा में घड़ा मानू आन जो इन वक्त के मौजूदा हम सर आलमी अदब है जो हे दौर जै दौर में लिखो पो वे उनका असं वाकुफ आयूँ उनका मोहरकात कड़ा उनका मौजू कड़ा दुनिया में तो शेख साहब जो पैटर्न आऊँ समझा तो आइडियल मॉडर्न पैटर्न है गाइडेंस है असा ला असी को बेहतर दौर में को गुजरू इंतहा पसंदी जी हिकड़ी जेका बेमुई बला है अदम तशद्दुद जी अणसाप जी ये सियालकोट जो कलूनी कल वाक्य थो ये वाक्य छो इक्कीस सदी में पेश करें असाजे समाज जो या अजोके मुआशरे जो अजोके पाकिस्तान जो नक्शो कड़ो पेंट पो थे आऊं समझा तो जेके हिन दौर जा चैलेंजेस हैं जेके कॉन्टेम्प्ररी अमृतसर दौर जा उन्हें का आगाही रखण तकलीफकार जो यो बुनियादी कम होजन खपे न तो वो वही शेख साहब वाली गाल थी दी तो शायरी जे शायरी रूह गरमाए न थी मंजिले मकसूद के पाए न थी वो तपिश को रे जे जे दौर में जे दौर में शेख साहब पार्टीशन तो दिसे पार्टीशन में सिंध सा जेका वेदन थे थी सिंध जो सजो इंटरप्रेन्योर क्लास जो को हो हलो तो वजे शहर जा शहर खाली थी ता वजे ना साजा रद प्लान थे थी और के पंजे अखिन सा दिसे तो सिंध जी सेंस जो को जे गुज़िश्ता पजन छन सदिन का वठी रती वजे सुर सामूरी जा जेके किरदार हुआ जे दुनिया सा सिंध के कनेक्ट पे कयो जै वे आलिशान इदारा ठाया पे जै असा जी अर्बनाइजेशन जा बुनियाद पे विदा वो सिंध के छड़े वजन पे यो यो अखिन सा शेख साहब की ट्रेजेडी ही जेका दिसे तो उन के गाए तो दूर थी दा वजन रोज जोगीड़ा तू वन्या पे जीए हाड़े जीड़ा दौर अचे तो वन मिनट जो तो वही शेख आयाज है पैंजे दौर जे हालतुन में सा गद भी है तो असा वट एकड़ो ट्रेंड है जो है तो सियासत का मानन के एतरो परे करे छजो एतरो अपॉलिटिसाइज करे छजो मानु सियासत का एतरो बेजार थे सियासत के गारगंद कर लियो कंचन पे जी वने असा के दिसी ता न समझो दिया सियासत आ अरे के वजीर के दिसी सियासत के ब्रो चवण सियासत तो बुनियादी तौर पे समाज के जी तब्दीली जी जो जो एक्शन है अमल है इजहार है रवैयो है ए वजीर कबीर के दिसी सियासत के ब्रो चवण आऊं समझा तो उन्हें सजे माजी में इंसानी तारीख में जेके सियासत जेके तब्दीली आंदी समाज में बेहतरी आंदी समाज तब्दील थिया वो सियासी अमल हो वो सियासी सोच जो हो असा वट को ट्रेंड है जो है रियासत के सूट तो करे जो कि रियासत के सूट तो करे तो असि एतरा अपॉलिटिसाइज हो जो असा एतरा डी पॉलिटिसाइज हो जो सियासत में एतरी बेजारी हो जे जो को कन में न्याज पवन सा गाल करया तो जो थे अबा तू केड़ी सियासत तो करी मैं केड़ी मुनाफकी तू तो करी मूसा ते जे कर वो गाफिल न हो या सा पंज दौर में सियासत का कचल न हो मुकम्मल तौर पे सियासी मान हो दो के मुस्तकिल तौर पे के सियासी पार्टी जो हिस्सो न रहयो पार्टीशन का के पहली घड़ी का पार्टी ज्वाइन कई हो जाए पर मुकम्मल तौर पे सियासी माइंड हो सियासी दिमाग हो वनिनट के दौर में जेडी माल वन एंटी वनिनट मूवमेंट थी हले तो उनमें रूह तो फूके मुकम्मल तौर पे उनकी जान थी बी तो रहे सजड़ी ते सिर केर व्हाट इज दिस पूरी इंस्पिरेशन कमाल जो मानू है एकड़े वक्त ते साईं जीएम सैयद के मुतासिर करें तो बे पासे जुल्फकार अली भुट्टो के मुतासिर करें तो बिन इंतहा उनके मुतासिर कदर मान
ये अच्छा सियासी सोच का सिवा मुमकिन है अजाओ असा जो नौजवान जके असा जा पैजा हम असर है उन जी गुफ्तगु या उन जी गाल उन जो जरूर एंगर है कावड़ है पर जने वो कुदन आयो तो हैरानी थी दी है तो वो की है बड़ा असा जे समाज में एकड़ा बुनियाद जके सोसाइटी के जी पॉलिटिसाइज करे थी यूनिक सोसाइटी करन जा वो की है गया थी दा बने ने ऐसा उन गाल के रियलाइज नहीं था के ताऊ समझा तो तो शेख साहब ने हवाले सा शेख साहब जी जिंदगी है लाइफ हुआ के लिए सारा मशर है राब है असि जाती तौर पे हल्या विंदा हूं सिर्फ फलाने मानो जो हलर कोन वणो फलाने जगह ते रही सुम रहे फलानी गुफ्तगु कई ने करे हरी उन जे सके कम जो धोई छे तंकीत आई कोन तंकीद या बुनियाद सदी समाज में ताज सही प्यार के थे रहया तंकीत तालुक जो हसीन रूप है सूफी सादिक चयो बि छिनो रवन सर क्यों आ गद जो रवा बि छिनो रवन असाव तंकीद कोने असाव याद तंसीख है रद्द करे छो आउटसाइड ही रिजेक्टेड या तकलीद है तू बंद करे अदो थी के पूछा पऊंगा या तजहीक है या के जो मजाक उड़ा हुआ तंकीद तालुक जो हसीन रूप है बि छिनो रवन सर क्यों आ गद जो रवा मा लंदी अची का सुदे दे सूर अची या यो गांडा पुआ जको सा के नजर पहुंचो छे ये मुके के बुदायो पे ने को ये की डिबेट पे अली आ होस कोन मुल्क का बाहर होस एक्सपोज करे दुबई में ते का डिबेट अली शेख साहब जी हवाले सा इते का शुरू थी का वरी डिबेट मून में कुछ जके बुदात दुक्ता है गालियों है असा सर्टिफिकेट की फैक्ट्री थी चुका है किसन में सर्टिफिकेट पे आए बाबा मदद ली सिंधी गदारा सही न्याज पवर गदारा वफादारी है गदारी है सर्टिफिकेट किसन में पे आए जेरी बार चाहे वो नामो मथा भी जून जेला इशू करूं मैं इशू कर दूं इतना मानूं कि सो उन्हें जो दौर के सो शेख साहब जो जेको किए पैदा थे तो शिकारपुर जी शहर में शिकारपुर जो उरूज उन्हें देखें जे सामू है शिकारपुर जो हुसना क्यों उन्हें सामू है जदे गुलन वाली अच्छे थी मो बके जदे मालूम मांगण जका आती वो गुल रोज देती इश्क सा वट आराई जी आयो झोल भरे कोई किए करे मुझे लम्हे पे लम्हे इंस्पिरेशन स्टेप बाय स्टेप इंस्पिरेशन वो बदल दो तो बने असी सर्टिफिकेट कदी दा चलू फलाना बता दियो फलाने ही सही करे चली शेख साहब जो उपयोग आऊं समझा तो जेको दुनिया जो वडो तकलीकार है मु जेको पढ़ो है नंदड़े के फिटनेस तफले बक्तत तो जेको पंजे दौर में पंजे हमसर दौर में जदे वो जियरो है तरी वो समाज के जे मुतासिर नथो करे उन वक्त इंस्पायर नथो करे वो उन वक्त इन्फ्लुएंस नथो करे तो जो वो इन्फ्लुएंस जेको पद नथो रहे शेख साहब पंजे दौर में इंस्पायर कयो पंजे दौर में इन्फ्लुएंस कयो शेख ये कोनो दासी बा चोंदो मोए का पोसा शेख साहब जो कदर पे कयो शेख साहब सा वाले ना मोहब्बत तो इजार जिन हयात से ने जो उन्हें पूरे दौर में ही कयो जी अली करन पिया माइकल हॉर्ट ने इस दुनिया के 100 अजीम शख्सियतों की फहरिस्त पे तरतीब दे तरी उन रसूल पाक के पहले नंबर पे रखियो वेस्ट में क्रिटिसिज्म थो तंकीद थी तब जीसस क्राइस्ट के उन कौन रखियो मथे वो खड़ी आयो रसूल पाक के पहलो नंबर इंसानी तारीख जो वड़े का वड़ो इंसान करार नहीं तो उन उनका एक बुनियाद था यार उन दलील में उन गालियों चाहिए मुझे वो मानूं जैसे हाथ में कुछ कौन हो जैसे चोले थे पेवन दवा जैसे चोले थे चक्की लगल हुई हूं जैसे घर में को हथियार कौन तो मिले पर वार स्ट्रेटजी जो वड़ो मानू है वड़ो जानू आ जेके हथियार तलवार हलायण कौन थी अचे पर जंगी इल्म जो बाहरा हिकमत अमली जो बाहरा पाई जे ओए पाई जे दौर जो बदतरीन मुखालिफ जेको ईसाई बादशाह है वो भी हुन जो मुअत्तरफ आ ऐ वो अबू सुफयान के चेतो जेकर तू गालू जेके मनी वेठो जो बदतरीन दुश्मन थी जेकर ये सब उनमें मौजूद है तो यकीनन ही कैन बी द प्रॉफिट ही पैगंबर आए तुम पंजे दौर में उन जो इन्फ्लुएंस हो
इन बुनियाद ते दुनिया के वडन मानन जी पक थी है तो उन पे हयाती में जदे जीणा है मानु क्रिश्चियन बैठा उन चाहे बैठो करे छापो कुछ कॉल ही फैल ही अमल में जदे मानु लिसन था विटनेस कन था तरी उन के के मानु जी अजमत ही उन जी वडाई जा स्टैंडर्ड तय थन था तो शेख साहब जब पई हयाती में सेट थी चुका मुता के चो शेख साहब बिल्कुल दौर है फिनोमेना है शेख हयाज महज रुगो हिकरो ये तकलीफकार कोने पर पूरे समाज के एक भरपूर इन्फ्लुएंस विजन वालों को मुफक्किर है शायरी में ट्रे सही आऊं समझा दो तो तकलीफ में उजवन या फिक्र हुंदो तफक्कुर या तखयुल ख्याल है जो फन्ना हर तीन तीन बुनियादन ते फिक्र समाज का अचे तो तखयुल उनकी इमेजिनेशन है जैमें नेचर आ समाज टाइनी पार्ट है नंढड़ो हिकड़ो ये तुमको आ इंसानी समाज इन पूरी कायनात में शेख साहब जेके तफक्कुर के हवाले से गाल कयो तो ये शेख हयाज है जो पूरी रेजिस्टेंस सा पूरे समाज में बिठो है उन समाज के बदलाने जा ख्वाब अखिन में खणी अगते हले तो ए वो ख्वाब मुंतकिल करे तो कोई जनरेशन में यो उन जो तफक्कुर आ जदी शेख शेख साहब जे तखयुल ते असे चुंदा तो उते सनोबर बाए उते चंद्र बाए दूसरी नेचर के पेंज ओन तो करे वणो कवेलियो वणो वणी प्रिय के चो प्रिय जो पैगंबर ईरान वालो कबूतर कोन तो ठाए वो पेंजी देश दी कोयल के पैगंबर ठाए तो पेंजी प्यार जो तो वणी पे महबूब के पैगाम दे वणो कवेलियो वणो वणी प्रिय के चो अन्या तो पियो जिया अन्या तो पियो जिया जदे ब सामणू वचन छमर अलूट थी नचन जदी ब भिट भिट ते घटा गजी गजी वसे ई सजो छाए रेजिस्टेंस एंड रोमांस असा वट छलो जकडे रेजिस्टेंस आए पोएट्री में जे उनमें रोमांस शामिल कोने तो वो नारेबाजी आ पर जे यो आंसर शामिल थे तो जके नाला सवेर पई कंटेंपरेरी जके शायर वा दुनिया जा पेब्लो नेरुदा नाज़िम हिकमत फैज़ अहमद फैज़ बया जके हर स्थलिक मता पे वो सब इन करे जदीद दौर में शेख साहब जा जके हमसर हुआ उनन सबनी शय ये शय मौजूद हुई उनन तफक्कुर बहु उनन नेचर उनन सो समाज बहु उनन फितरत हुई थी अमल ता सता कुक कोयल करे हुआ परे आ परे आ परे आ परे त उर्दू शायरी जो तंग गली में कैद हुई उसका मैं यही सब है दो चीजों ने उसको मारा एक तो रियासत ने मारा उर्दू को जब रियासत की जबान बनी दूसरा वो नेचर से कनेक्ट नहीं हुई सोसाइटी समाज फर्द या दर्द रोलड़ा तब्दीलियों इनकलाब शयूं नेचर का जरिए डिस्कनेक्ट थी जिसकी आपने बात की कि आज हमारा दरख्त जो है वो भी एक पेनाफ्लेक्स में तब्दील हो गया है या वहां पे कोई खंभा लग गया है हमारा दरख्त दरख्त नहीं रहा जिस बात की हर्ष तरीक ने ये वो तखलीकार सोच सकता है हर्ष भाई जिसके अंदर में नेचर के लिए प्यार हो दर्द हो वरना ये समाज सोसाइटी जो है वो बगैर नेचर के नहीं चल सकती विदाउट सोसाइटी विदाउट नेचर समाज आगे चल ही नहीं सकता गुलाब का अगर फूल नहीं होगा तो मोहब्बत का इजहार भी मुमकिन नहीं है इस खूबसूरत अंदाज में तो शेख साहब का तो मैं एक शागिर्द के तौर पर मैंने उनको हमेशा सीखा पढ़ा और शेख साहब से मेरे मसल तौर के बहुत से लोग उन्हें शेख हयाज की शायरी में यूज किए गए उन शायरों के हवाले और तज़किरों को सुन के फिर जाके उसके किताब जो है वो जो उर्दू बाजार के जो लुंडे के दुकान थे जहाँ पे थर्ड हैंड सेकंड हैंड भी नहीं थर्ड हैंड और फोर्थ हैंड हो सकता है दस हाथों से गुजरे हुए किताब वहाँ पे हम ढूंढते थे और उनको पढ़ते थे कि गार्शिया लोरका की हमें पोएम्स कहाँ पढ़ने के लिए मिलेंगी उसके साथ स्पेन में क्या हुआ और जो हमने शेख साहब के से रेफरेंस के थ्रू उनके जो हमने दिए उसके थ्रू हमने देखा तो आओ समझा पे तो हाँ असके जो भी सकाफत कल्चर अदब जब अस गाल क्यों बचाने की या अंत बचाने की उन हवाले से असके असो असास है असो हेरिटेज है अस इवन शेख साहब इज अगेन आर हेरिटेज वो असो वसो आनमें शूँ सीखणी पौधों जे असके मॉडर्न सिंध जो आ तो करण है ये नौजवान जो यूनिवर्सिटी में पढ़न था इतने वेठा जो को उनको खाको जदीद सिंध जो सुबाई जो है अजोकी सिंध जो ठाण चाहन था
चैनन चैनन किताबन जे ओझन पनन के पुठीरो पंध करणो पोंदो वापस वणणो पोंदो छली नारेबाजी छली छलो रोमांस ऐ छली जका शायरी जका है एकबे जी खा इंस्पिरेशन या सा के अंत खणी हली कोन सकंदी असा के इंस्पिरेशन वरी खणी पोंदी ऐ उनन वरद मान का खणी पोंदी जिन जो इन्फ्लुएंस पे ओलो ही वडो है असा जे समाज ते असा जी सोसाइटी ते बल्कि इंसानी समाज ते पूरे आलम इंसानियत ते जिन जो इन्फ्लुएंस थो आ उन खा असा के ये शे खणी पोंदी ऐ मुझे या ख्वाहिश है एजुकेशन डिपार्टमेंट में लतीफ शनासी जे हवाले सा इते शाह साहब कंदो रहयो है एक्टिविटीज इवेंट्स की मुबलाग लास्ट शिरकत कई हुई ये असा तमा सब साथ जो जे अयाज जी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी वाला डिजाइन कयो एकरो प्रोग्राम तो असा पजे स्कूल्स ए कॉलेजेस में अयाज शनासी जो असी शुरू कयो असा जे ऑफिस रन जी आसरे ते तमा का भी डार न जो कदे कम तक करणो पौधो बैग से भी आऊँ तुम फुली इन हवाले से सपोर्ट कस यूनिवर्सिटी कॉलेजेस स्कूल्स तो असाज नस्ल के अयाज शनासी के हवाले से उनमें अयाज से टेबलोज थन अयाज जहाँ गीत बारा पैं बाकड़े आवाज में भली कंपोज कर अचन झूपड़ी बहरा रात झांझर वगी पेर कंझा हुआ केर मुखा वगी भली असा बारा कंपोज कर अचन नये धुनन से गायन पेंटिंग्स थे ड्राइंग्स थे अयाज शनासी से शुरू कर असी मोहनज दड़े जैसे तक यह गाल हवाले से बुधाई हलान शेख अयाज साहब सिंधु सभ्यता जो फखरमंद फखर लायक फर्जंद हो उन्हीं अजीम सभ्यता सिंधु सभ्यता के सौ साल मोहनज दड़े की खोटाई के एक्सकवेशन के 2022 में पूरा थन प फेबरवरी में अस उनकी सेलिब्रेशन्स वह स्टार्ट पा कर मोहनज दड़े का शुरुआत करूँ था उनकी उनको मुख्तलिफ़ प्रोग्राम तकरीबा पूरे पाकिस्तान में थन्दा मैं आरिस भाई को भी कहता हूँ कि वो हमारे साथ हम पले हो हमारे साथ शामिल हो इसमें पूरी तकरीबा में कि इसको हम बताएँ कि वो आलिशान तहजीब क्या थी जिन्होंने क्योनी को लिखना क्योनी स्क्रिप्ट बनाना सिखाया जिन्होंने इजिप्शियन को लिखना सिखाया जिन्होंने दुनिया के नंगे बदन पे कपड़ा उनको फराहम किया उनके तन बदन ढांपा जहाँ से कोई जंगी हथियार नहीं मिला कितने कितने साइलेंट फीचर और इंग्रीडियंट्स हैं इंडस सिविलाइजेशन के हमारे बच्चों को भी पता चले हम उनको भी बताएं कि कल को कोई कम अज कम वो किसी अलामा दाऊद पोटो लाइब्रेरी का रुख करे मगर मदरसे के जाने से कम अज कम बच जाए तो इतना हम उनको कायल करें कि आप किस तहजीब के फर्जंद हो किस तहजीब के बेटे हो तो ये फरवरी में 19-20 फरवरी को मोहनजो दड़ो पे तकरीबात होंगी पूरी दुनिया से उसके आएंगे डेलीगेशंस भी और आप जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं ज़रूर उसमें आइएगा रात को म्यूजिक होगी यहाँ से सेलिब्रेशन स्टार्ट होगी फिर उन्हीं भी है तो वह सेलिब्रेशन थी जो आए वह स्कूल्स में कॉलेजेस में बिन जगह थे वो सब शुरुआत थी पर उनसे गदोगद अयाज शनासी जो यो ही ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आउं समझा तो करे सके थी जो पंजन दिन जो एडो वो फेस्टिवल मुनक़िद करे थी तो वह उनको प्रोग्राम चेक आउट कर उन्हें प्रोग्राम के मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में एडन में सेलिब्रेशन थे पा वन बार हिमसाए और टाइम न वस उस्ताद शफी फकीर सवेर का मुझे ख्याल में वो पहुंची चुको है शायद उस्ताद शफी की म्यूजिक जो है तो उस्ताद शफी का बुधदासी मजो इंदो सोरठ में ए सीर कोई आओ क्या गीत सखी पिया के मुझे तो चाहे चा दीगर तारियों पर वजह सभी की मेहरबानी अफान साहब तुम्हारी सारी सत जो शुक्रगुजार आया जे मुझे मौको दिनों अचण जो बुधने जो अखर गाल पर वजीर की हैसियत से अचण में मुख्य का खुशी है फखुर को अयाज के पढ़द आशिक की हैसियत में मौजूद खुशी है।